हेलो बच्चों, तो अपने अपने हिंदी विषय की पुस्तिका और नोटबुक निकाल लीजिए। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी षटकोण श से। आपको कहाँ तक पढ़ाई थी मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में? त्रिशूल द्रव तक। तो आज आपको सातवें षटकोण श से त्रिशूल द्रव तक लिखना है। पहले ये देख लीजिए एक बार, ये क्या है, ये कौन सा अक्षर है? षटकोण श। ये कौन सा अक्षर है? षटकोण श। उसके बाद देखिए षटकोण श के बाद क्या आता है? सड़क स। देखिए क्या है? सड़क स। उसके बाद क्या आता है? हलवाई ह। हलवाई ह। उसके बाद कौन सा वर्ण आता है? क्षत्रिय क्ष। क्षत्रिय क्ष। और लास्ट वर्ण कौन सा आता है? त्रिशूल त्र। त्रिशूल त्र। तो कौन सा वर्ण है देखिए? षटकोण श, सड़क स, हलवाई ह, क्षत्रिय क्ष और त्रिशूल त्र। तो आज हम एक साथ सब वर्ण लिखेंगे। ओके, तो आप मेरे साथ लिखिए। पहले कौन सा अक्षर लिखेंगे हम? षटकोण श। तो आपको षटकोण श कैसे लिखना है? पहले पतंग में जैसा लिखना है, उसके बीच का भी सर को ऐसे बीच में से ऐसे लाइन खींचना है, दोनों को जोड़ना है, उसके बाद ऊपर से लाइन खींचना है। तो ये आपका क्या बन गया है? षटकोण श। उसके बाद कौन सा वर्ण आता है? सड़क स। सड़क स भी होता है, सरोदा स भी होता है, और समय सभी होता है। तो पहले आपको रस्सीदा जैसा लिखना है, उसके बाद उसके बीच हिस्से को एक स्लिपिंग लाइन देना है और एक सीधी लाइन देना है उसको छोड़ के। तो ये क्या बन गया आपका? सड़क स। षटकोण श, सड़क स। उसके बाद क्या आता है? हलवाई ह। तो एक छोटी लाइन दीजिए, उसके बाद आप इमली में बनाते हैं वैसे उसको ऐसे शेप दीजिए और छोड़ दीजिए। उसके बाद ये जो हिस्सा है उसको यहाँ से लाके इधर लाके नीचे की तरफ झुका के ऐसे गोल बनाएंगे और उसके ऊपर ऐसे लाइन खींचे। तो ये क्या बन गया? हाथी ह भी होता है, हलवाई ह भी होता है, हल ह भी होता है। तो ये क्या है? हलवाई ह। उसके बाद कौन सा वर्ण आता है? षटकोण श, सड़क स, हलवाई ह, फिर आता है क्षत्रिय क्ष। आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको उल्टा ही लिखना है, आपको आपका लिखना है ऊपर से लिखना है, फिर उसको सीधा से करना है, ऐसे इंग्लिश जैसा लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से उसके बाद ये ऊपर का हिस्सा है, ऊपर की तरफ नीचे जाके ये दोनों लाइन को छोड़ देना है और ऊपर से लाइन खींचना है। तो ये क्या बन गया आपका? क्षत्रिय क्ष। और उसके बाद क्या आता है? त्रिशूल त्र। तो त्रिशूल त्र कैसे लिखते हैं देखिए, लाइन खींचना है, उसके बाद ये ऊपर ले जाकर उसको इधर ले जाना है बीच में की लाइन से, और इधर लाके एक लाइन से इधर बनाना है, उसके बाद ऊपर से उसको ऐसे कर्व करना है और ऊपर से लाइन खींचना है। तो ये क्या बन गया आपका? त्रिशूल त्र। तो एक साथ मेरे साथ दोहराइए, षटकोण श, सरोदर स, हलवाई ह, सड़क सभी होता है, क्षत्रिय क्ष और त्रिशूल त्र। अभी उसके लाइन नीचे की लाइन में लिखिए, देखिए षटकोण श, देखिए इस प्रकार से लिखना है षटकोण श। उसके बाद क्या आता है? सरोदर स, हलवाई ह, क्षत्रिय क्ष और त्रिशूल त्र। चलिए उसके नीचे की लाइन में लिखिए, पहले पतंग को जैसा लिखना है, उसके बाद एक लाइन खींचना है बीच में से और ऊपर से एक लाइन खींचना है। तो ये क्या बन गया आपका? षटकोण श। उसके बाद क्या आता है? रस्सी का जैसा बनाना है, उसके बाद ये जो बीच में एक छोटी लाइन देना है और स्लिपिंग लाइन, उसके बाद ये दोनों लाइन को जोड़ के स्लिपिंग लाइन को जोड़ देना है और ऊपर से एक लाइन खींचना है। तो ये आपका क्या बन गया? सड़क स। उसके बाद क्या आता है? हल ह, हाथी ह तथा हलवाई ह। तो हल ह को हमको पहले गणपति की सूंड की जैसा बनाना है, छोटी लाइन देना है, उसके बाद ऐसे ई जैसा बल्ली का शेप देते हुए ऐसे लाके छोड़ देना है। उसके बाद ये जो हिस्सा है इसको यहाँ से लाके नीचे तरफ लाके ऐसे घुमाना है और ऊपर से लाइन खींचना है। तो ये क्या बन गया आपका? हलवाई ह। उसके बाद कौन सा वर्ण आता है? क्षत्रिय क्ष। तो आपको क्या करना है? उल्टा ई बनाना है, ऐसे उल्टा ई बना लिए, उसके बाद उसको इस ऊपर की तरफ
लाइन को जोड़ के उसको जोड़ देना है और ऊपर से लाइन खींचना है। तो ये आपका क्या बन गया, क्षत्रिय क्ष। अभी उसके बाद क्या आता है, त्रिशूद्र अथवा त्रिकोण भी होता है, त्रिशूद्र भी होता है। तो आप क्या लिखेंगे, त्रिशूद्र में लिखेंगे एक सीधी लाइन देंगे, फिर ये जो मीडियम का हिस्सा है ऊपर की तरफ स्लैंडिंग लाइन देंगे, नीचे की तरफ स्लैंडिंग लाइन देंगे और ऊपर का जो हिस्सा है ऐसे नीचे ऐसे झुकाएंगे और ऊपर से सी लाइन खींचेंगे। तो आपका ये क्या बन गया, त्रिशूत्र। देखिए और एक बार मेरे साथ लिखिए, पतंग पर जैसा बनाइए, उसके बाद ये दोनों बीच का जो हिस्सा है उसको ऐसे जोड़ दीजिए, आड़ी से स्लैंटिंग लाइन खींचिए ये दोनों के बीच में और ऊपर से लाइन खींचिए। तो ये आपका क्या बन गया है, षटकोण श। उसके बाद क्या आता है, इसे रस्सी का जैसा बनाना है, बना लिए। उसके बाद ये जो बीच का हिस्सा है छोटी लाइन देना है, उसके बाद ये दो लाइन को उसको ऐसे जोड़ना है और ऊपर से एक लाइन खींचना है। तो ये आपका क्या बन गया, क्या बन गया आपका, सड़क स। ओके, उसके बाद क्या आता है, हलवा। तो हलवा कैसे, छोटी लाइन देना है, उसके बाद इसे इमली ई को आधा बनाना है, इमली को। फिर उसके बाद ये देखिए ये जो हिस्सा है इसको ऐसे लाके सामने रखना है और ऊपर से एक लाइन खींचना है। तो ये क्या बन गया आपका, हलवा हलवाई। ओके, उसके बाद क्या आता है, देखिए इसे उल्टा सी बनाइए, फिर उसके बाद सीधा सी बनाइए, इमली जैसा और इमली जैसे से बना लीजिए उल्टा इमली। उसके बाद ये जो छोड़ा हुआ हिस्सा इसको ऊपर की तरफ ले जाइए और इसको ऐसे सीधी लाइन ले लीजिए और ऊपर से जोड़ लीजिए। तो ये क्या बन गया आपका, क्षत्रिय क्ष। और लास्ट बनना है त्रिकोण तथा त्रिशूत्र। तो ये सीधी लाइन देखिए, मिडल में एक ऊपर स्लैंडिंग लाइन, एक नीचे स्लैंडिंग, ऊपर से स्लैंडिंग लाइन में कर्व करिए और ऊपर से सी लाइन खींचिए। तो ये क्या बन गया आपका, त्रिशूत्र। चलिए नीचे की लाइन में लिखिए गोल गोल के, षटकोण श, सड़क स, आपको नीचे नीचे लिखना है। ओके, और आपको बोल बोल के भी लिखना है। ओके, थैंक यू।